मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया से जहां लोगों का भविष्य साकार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के युवा कुछ वेब सीरीज देखकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं, जिसका उदाहरण देखने को मिला था जनपद मेरठ में, जहां दो नौजवानों ने एक घर में लूट की प्लानिंग की, लेकिन लूट की वारदात को अंजाम देते देते पति पत्नी का कत्ल कर बैठे, जिसके बाद मेरठ का ये डबल मर्डर उत्तर प्रदेश की सियासत का मुद्दा बन गया। अखिलेश यादव ने विधानसभा में सवाल उठाया। सूचना मिली कि अपराधियों ने घुस करके जैन परिवार, एक व्यापारी परिवार के बेडरूम में हत्या कर दी। सोचिए आप जीरो टॉलरेंस रखते हैं कानून व्यवस्था के लिए? आप कानून व्यवस्था पे जीरो टॉलरेंस, और अपराधी कहां जा रहा है? बेडरूम में, और हत्या कर दी जाके बेडरूम में। ये कल की घटना है, और मेरठ जैसे दिल्ली से सटा हुआ केवल एक घटना नहीं उत्तर प्रदेश में। और जो एनसीआरबी का आंकड़ा बताते रहे थे कल, या सदन में रखा जाता है, ये सरकार तो वो है जो आंकड़ों से खिलवाड़ कर रही है। विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ पुलिस से रिपोर्ट तलब की। इसके बाद मेरठ पुलिस ने 36 घंटे में घटना का खुलासा करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मेरठ में दो दिन पहले घर के बेडरूम में घुसकर बाइक सवार बदमाशों ने डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया और लाखों के जेवरात और नकदी लूट ली। पुलिस के लिए ये घटना चैलेंज बन गई थी, जिसके चलते व्यापारियों ने जाम लगाकर हंगामा किया। साल 2020 में मेरठ कॉलेज से LLB थर्ड ईयर के छात्र प्रियांक शर्मा ने वेब सीरीज असुर और मिर्जापुर देखी थी। नहीं बताया गया ये इनके इसके द्वारा बताया गया कि ये घर में जब घुसा तो शुरुआत में इसने सोचा कि उनको भी मैं एक कमरे में बंद करूंगा, लेकिन जो बुजुर्ग महिला है इनके द्वारा जब वो अपना वहाँ पे कंघी वगैरह कर रही थी तो हाथ उन पे लग गया, तो वो जो गोली है पहली गोली वो छिटक कर जो है वो उनके जो पति हैं जो बुजुर्ग वहाँ पे सो रहे थे उनके लग गई। फिर दूसरी गोली जो है वो इसके द्वारा जब वहाँ पे महिला के द्वारा हल्ला मचाया गया, आवाज़ की गई, तो उसके द्वारा फिर दूसरी गोली भी उनके मारी गई, तो उनके हाथ में लगी। बता दें कि पुलिस ने इस घटना के खुलासे के लिए 8 डेडिकेटेड टीम लगाई थी। मेरठ पुलिस के 36 पुलिसकर्मियों ने 36 घंटे में 500 CCTV कैमरा देखे। इसके अलावा सर्विलांस और मैनुअल पुलिसिंग के जरिए घटना का खुलासा कर दिया। घटना के दौरान लूटा गया सोना और नकदी बरामद कर ली गई। इसके अलावा घटना के दौरान इस्तेमाल की गई बाइक, ग्राइंडर, ग्लव्स, हेलमेट और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वेब सीरीज देखकर जयराम की दुनिया में कदम रखने वालों ने घटना के समय होश खो दिए और डबल मर्डर की घटना को अंजाम दे दिया। ब्रह्मपुरी के अंतर्गत 10 तारीख को प्रातः 7:30 से 8:30 के बीच में एक बुजुर्ग दंपत्ति है, उनमें एक व्यवसायी है, उनके घर में दो युवकों के द्वारा घुसकर गोली चलाई गई, और उसके अलावा घर में जो बड़े बेटे और उनकी जो पोती थी उनको बंधक बनाकर लूटपाट की गई थी, और इसमें आभूषण उनके घर से लूट हो गए थे। इसमें पुलिस के द्वारा 500 से अधिक CCTV कैमरे 40 लोगों के माध्यम से खंगाले गए, जिसमें पूरा कहां से वो आए और कहां गए ये पूरा रास्ता देखा गया, और उसके बाद दो अभियुक्तों प्रियांक शर्मा और यश शर्मा की गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों पड़ोसी हैं, और इसमें प्रियांक शर्मा LLB के मेरठ कॉलेज में छात्र हैं। इसके अलावा जो दूसरा यश शर्मा, ये 8वीं पास और एक बैटरी की दुकान में कार्यकर्ता है। इनके द्वारा योजना 2020 के बाद वेब सीरीज देखकर ये अपनाई गई, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो इसके द्वारा वेब सीरीज देखी गई और इसके द्वारा सोचा गया कि मैं भी लूटपाट करूंगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस अब तक कहां थी और उसने इन आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया था, और कार्रवाई तब हुई जब विधानसभा में इसका मुद्दा उठाया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।